अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ देसी चिकन शोरबा, जो बहुत ही लजीज होता है। तो आइए देख लेते हैं रेसिपी। ये 1 किलो देसी चिकन है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। ये नींबू का रस है और ये दही है जिसको मैं चिकन में डालूंगी। ये पूरा 1 नींबू का रस था और ये दही है आधी कटोरी, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ चिकन में। चम्मच नमक, प्लीज व्यूवर्स, मैंने जो इंग्रेडिएंट्स नेम थे वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसको रखना नहीं है, इसको हम डायरेक्ट पका लेंगे। तक हम मसाले कुछ तैयार कर लेते हैं। ये दही है और दही में मैं 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच और धनिया पाउडर, ये खुशबू का मसाला है जिसमें लाल मिर्च और हल्दी दोनों मिक्स की है। नमक 1 चम्मच से कम है क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाल दिया है, इसलिए मसाले में मैंने थोड़ा सा कम लिया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। कलर है थोड़ा सा। अब हम इसको रख देते हैं तक। ये मेरा गोश्त देख लीजिए पक रहा है अच्छे से, इसका पूरा पानी सूख जाएगा अच्छे से, तब हम इसको डालेंगे। प्याज है, जब तक हम और मसाले तैयार कर, मैंने प्याज काट के रखी है। अब इस पैन में मैं तेल डालूंगी 1/2 चम्मच, यानी कि 1/2 टेबल स्पून। मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। आपके ऊपर है कि आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज डाल दिया है, अब इसमें खड़ी लाल मिर्च डालूंगी मैं। मैंने पहले भी बताया है कि अगर प्याज को अच्छे से अगर तेल में पका ले या पानी में पका ले फिर इसको हम पीसते हैं, बहुत स्मूथ होती है प्याज, मसाला बहुत बारीक होता है, बहुत अच्छा तैयार होता है। ये
सुरक्षित गरम मसाला है, जैसे कि बड़ी इलायची और ये दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग और काली मिर्च है, 4-8-10 दाने। अब हम इसको पीस लेंगे। मैंने प्याज डाल दिया है, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे जो खड़े मसाले थे। देखिए मैं ये पीस के रेडी हो चुका है और कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है ये। ये जो मैंने दही में मसाले मिक्स डाले थे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए मसाला जो मैंने दही में तैयार किया था ये तैयार हो चुका है। तो मैं कुकर गैस पे रख दी हूँ, हाई फ्लेम पे। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, 1 टेबल स्पून और ऐड करूंगी, यानी कि 2 टेबल स्पून ऑयल। मेरा तेल जो है वो गरम हो चुका है, अब मैं इसको बघार दूंगी। तो ये मैंने बघार दिया मसाला। इसमें मैंने 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 स्पून अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। मैंने वीडियो नहीं बनाई है इसकी, मैंने मसाला रेडी कर दिया है देखिए। और जो मैंने पेस्ट बना के रखा था प्याज का, वो मैंने डाल दिया है। अब इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर ये पक जाए। ये देखिए मेरा मसाला भुन चुका है। दही का मसाला ऐड करूंगी जो मैंने दही में तैयार किया था। ये चिकन का ऑयल है जो मैंने जब चिकन पकाया था तो उसमें ऑयल निकला था, तो मैं उसको अलग कर लिया था। मैं उसको भी ऐड कर दी हूँ।
ये देखिए मेरा मसाला कितना अच्छा पक रहा है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए पूरा चिकन मैंने डाल दिया इसमें, इसको मैं हल्का सा भून लूंगी इसी मसाले में। इसमें ये देसी चिकन है तो इसमें 5 से 7 सीटी आराम से लगेगी और कम से कम 30 मिनट पकेगा। देखिए मेरा चिकन ये पक चुका है, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब मैं इसे सर्व भी कर ली हूँ, धनिया पत्ती से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी दही ऐड कर दूंगी। तैयार हो चुका है। आपको भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए।